अभी जो है कुछ समय पहले ही जो है विजयदशमी का त्यौहार हुआ है, जहाँ पे हम नवरात्रि मना के आ चुके हैं, जहाँ पे माँ दुर्गा के नौ रूपों का हम आराधना करते हैं, उनकी सेवा भक्ति करते हुए हम नवरात्रि के त्यौहार को संपन्न कर चुके हैं। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि नवरात्रि का त्यौहार तो जा चुका है, फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो भाई इसके पीछे कारण ये है, सबसे पहले तो किसी अच्छे काम को करने के लिए कोई दिन तिथि रखती नहीं है, और दूसरा बात यह है कि मुझे कुछ बात करना था इसके बारे में, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप अपने आसपास जितना भी मैंने अवलोकन किया है, मैंने देखा है, तो मैंने प्रायः सभी पंडालों में अपने आसपास के जा कर देखा है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मुझे पता नहीं कि ये कहाँ तक हो रहा है, क्या मेरे राज्य तक, मेरे ज़िला तक, या मेरे सिर्फ गांव तक तो नहीं, क्योंकि मैं बाहर भी गया हूँ, तो ये सीमित है या फिर कहाँ तक की बात है पता नहीं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं कि कुछ वर्ष हो चुके हैं, या फिर मैं कहूँ कि इसी वर्ष कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है मुझे, कि प्रायः दुर्गा पंडालों में आपने मूर्ति देखी होगी दुर्गा माता की, तो आपको कुछ इस प्रकार से मूर्तियाँ दिख रही होंगी, जहाँ पे माता श्री आशीर्वाद देती हुई दिख रही हैं। कई लोगों ने तो दुर्गा माता को कुछ अलग हथियार पकड़ा दिए हैं, कई लोगों ने तो कुछ और बना दिया है, लेकिन बात यह है कि माता दुर्गा का आप जो है आशीर्वाद देता हुआ रूप देख रहे हैं, मतलब माता चामुंडा, माता दुर्गा देवी जो कि कालरात्रि रूपा में, कात्यायनी रूपा में जो है महिषासुर का वध करती हैं, उनका वो स्वरूप तो लगता है मुझे कि गायब हो चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा मूर्ति बनना बंद हो गया है, मैं प्रायः अपने जो है क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसे मूर्ति देखने को नहीं मिला, और ये सोच के मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दुर्गा पंडाल जो है बने होते हैं, और भव्य भव्य दुर्गा पंडाल बने होते हैं, लेकिन वहाँ पे केवल माता का आशीर्वाद देते हुए मूर्ति बनती है। हम ये अप्लाई कर सकते हैं माता दुर्गा के लिए, लेकिन बात यह है कि माता दुर्गा उस दिन जानी ही नहीं जाती। हम माता दुर्गा को जो है फेमिनिज़म वर्जन, या फिर जो कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान, मतलब हम उन्हें जो है आदिशक्ति के रूप में जानते हैं, और आदिशक्ति वही स्वरूप है जो कि अपने आप में जो सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान देवी कहलाती हैं। दुर्गा का जो है सिंह उनका वाहन होता है, यही सबसे बड़ा प्रतीकात्मक चिन्ह होता है सनातन धर्म का, कि वो देवी इतनी शक्तिशाली है, फिर महिला तत्व, शक्ति तत्व जो है, स्त्री तत्व इतनी शक्तिशाली होती है सनातन धर्म में, जो कि एक सिंह तक को जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। आपने देखा होगा उनके अलावा कोई और जो है देवी जो कोई और देवता, खास करके पुरुष वर्ग के देवता, कोई सिंह का जो है वाहन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, जबकि देवी माता करती हैं। यहाँ तक कि भोले बाबा भी जो है नंदी की सवारी करते हो कि इतना भोला और जो है धार्मिक जानवर होता है, लेकिन देवी जो है हिंसक जानवर को कंट्रोल में अपने वश में करती है। अर्थात ये इस प्रकार सिंबोलिज्म दर्शाता है कि चाहे तो भारतीय नारी या फिर जगत जननी स्त्री तत्व जो है संसार को अपने अंदर कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उन्हीं के अंदर जो होता है प्रकृति, पुरुष में जो वही प्रकृति होती है जो कि संसार का जो है जीवन देने का कार्य करती है। यह चक्र हम जो है नव दुर्गा के नव रूपों में भी एवोल्यूशन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन टॉपिक ये नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं, और ख़ास करके मैं अपने इधर का क्षेत्र का देखते हुए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास मैंने दुर्गा पंडाल में देखा तो जो है दुर्गा माता की मूर्तियाँ सिंपल वे में बनाई जा रही है, जहाँ वो आशीर्वाद मुद्रा में जो है वर मुद्रा में जो है आशीर्वाद देते हुए जो है दिख रही है उनकी मूर्ति, और ख़ासकर मैं ये देख रहा हूँ कि महिषासुरमर्दिनी जिन्हें हम कहते हैं, महिषासुरमर्दिनी के जो हम श्लोक गाते हैं, भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो महिषासुर को मारते हुए जो दुर्गा माता का सिंबोलिज्म है, जो कि हमारी आज की नारी शक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, जो कि आज चल रहे धर्मांतरण के लिए, आज जो चल रहे जो है बात कर रहा हूँ, बाकी आप समझ गए समझ गए होंगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है स्त्रियों को ज्ञात होना चाहिए, वो कहाँ से आती हैं, वो किनकी जो है रूपा है, शक्ति स्वरूपा है, वो नव दुर्गा के नाम आज के जो है महिलाओं को, स्त्रियों को पता नहीं है, और वो अपने आप को सिंबोलिज्म मानती हैं कि हम दुर्गा का रूप हैं, उनको पता भी नहीं नव दुर्गा के रूप क्या होते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या उनके बारे में है। लेकिन बात वही है कि हम जो है फेमिनिज्म की आज बात करते हैं, लेकिन हम वही भूल जाते हैं कि माता दुर्गा, दुर्गा माता फिर क्यों कहलाती है, उन्होंने जो है महिषासुर शुंभ निशुंभ रक्त बीज का संहार किया था, मधु के टब को मारा था, तो इसलिए महिषासुर को मारते हुए महिषासुर मर्दिनी की जो दुर्गा मूर्तियाँ बनती थी, आजकल वो आना बंद हो गई है लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनता है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में अवलोकन करके देखा हूँ, तो ज़्यादातर मैं क्षेत्रों में गया हूँ, माता दुर्गा की ऐसी प्रतिभाएँ जो है मुझे बहुत कम मतलब मैं तो देख नहीं पाया अपने क्षेत्र में, बाकी अलग जगह तो बैठा ही होगा, अलग जगह स्थापित हुआ होगा, लेकिन वही बात है कि मुझे ऐसे देखने को नहीं मिला। इसी चीज़ को मैं देख के जो है मैं सोच रहा हूँ कि यह कोई षड्यंत्र कहा जाए, फिर जो है लोगों में क्या विचार फैलाया जा रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है सनातन धर्म को आप मानते हैं, लेकिन धर्म अहिंसा तथा उसका अगली लाइन है उसको भी कंप्लीट करना ही पड़ता है। दुर्गा माता केवल हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारी रक्षा के रूप में जाने, दुर्गा माता इसलिए जाना जाती है क्योंकि जो है वो स्त्री तत्व को सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वो सिंबॉलिक में ये दिखाती हैं कि स्त्री तत्व भी जो है संसार में जो है अपने आप में परिपूर्ण है, और वो भी अपना डिफेंस कर सकती हैं, और वो बड़े से बड़े दुष्टों का संहार कर सकती हैं, और बड़े से बड़े जो है खतरों का, संकटों का वो सामना कर सकती हैं, और अपने आप में वो परिपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से सिंबॉलिक में माता दुर्गा को दर्शाया जाता है कि वो महिषासुर का वध करती है, राक्षसों का अंत करती है।
तो यही मूर्ति जो है स्थापित होनी चाहिए माता दुर्गा के में, क्योंकि माता सरस्वती की बात करें तो वो जो शांति स्वरूपा जो है गृहिणी माता होती है, माता लक्ष्मी भी होती है, माता पार्वती भी गौरी रूप में वहीं होती है, लेकिन वो जब भद्रकाली बनती है तो दुष्टों का संहार करने के लिए जो है खड्ग खपर धारण करती है और जो है मुंड की माला धारण करती है। तो आप समझ सकते हैं कि देवी दुर्गा के यही रूप है कि कात्यायनी रूप में महिषासुर का वो वध करती हैं। तो इसी जो है मूर्ति को स्थापित करना चाहिए पंडालों में, ताकि जो है आज की स्त्रियाँ, हमारी बहनें, हमारी जो बालिकाएं हैं, ये सभी देखें और सीखें कि हम किस इतिहास से आते हैं, हमारे जो है पूर्वज एंसेस्टर्स कौन हैं, हम किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कि अपने हाथ में जो शस्त्र लिए जो है दुष्टों का राक्षसों का संहार करते हैं, और वो हमें सबसे पहले सिखाते हैं तो शत्रुबोध और सेल्फ डिफेंस का जो है प्रक्रिया। इस प्रकार से बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करें, इस प्रकार की मूर्तियों की स्थापना कराएं, जिससे आपको यह जो है संकेत मिल सके समाज में कि देवियाँ केवल घर में खाना बनाने के लिए नहीं हैं, और वो ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं, शास्त्र भी उठा सकते हैं। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। तो मैं यही बताना चाहता था कि आजकल की जो महिलाएं सो कॉल्ड अपना फेमिनिस्ट मानती शॉर्ट्स ड्रेस पहन के अपने आप को जो है फ्रीडम स्पीच बताती हैं और बोलती हैं कि हम मॉडर्न ज़माना है, तुम्हारी सोच छोटी है, तो ये सब जो वाहियात कल्चर चल रहे हैं ना, तो इसके लिए जो है इसको समाप्त करने के लिए देवियों को, भारतीय नारियों को अपनी परंपराओं में वापस आना होगा और अपने इतिहास को जानना होगा। यही मुहिम शुरू करने के लिए हमने इस चैनल का निर्माण किया था, और देखते हैं क्या होता है फिर, वैसे आगे देखते हैं कौन सा वीडियो बनाया जाता। बाकी मेरा वही कहना था कि देवी दुर्गा का जो उच्चतम स्वरूप है, जो सबसे प्रमुख स्वरूप है, असुर जो है संहार करते हुए, तो उसको ही स्थापित कराना चाहिए, उसी को बनाना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए। और बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन कमेंट से जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो ज़्यादा ही जो है टॉपिक घसीट दिया हो मैंने, तो क्षमा चाहूँगा आपका समय ख़राब करने के लिए। बाकी कुछ सीखने को मिला हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें 100K तक पहुँचना है। बाकी देखते हैं सिल्वर प्ले बटन इस आप आता है कि नहीं आप इस चैनल के लिए। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।